हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 2 जून। तो 2 जून के आपके जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आप माय टेलीग्राम चैनल ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो आप उस पर @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे, तब भी हमारा चैनल आ जाएगा और वहां से आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने 1 जून के करंट अफेयर्स पढ़े थे, तब लास्ट मैंने आपको टेस्ट दिया था। सबसे पहले वो टेस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2 जून के करंट अफेयर्स। देखिए, कल का टेस्ट था कि किस एयरपोर्ट को मध्य प्रदेश के पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो उस एयरपोर्ट का नाम था देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डी ऑप्शन सही है आपका। देखिए, इसका आंसर ना बहुत सारे स्टूडेंट ने सही दिया था, लगभग सभी ने सही दिया था, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि अगर आपको करंट अफेयर लर्न करने हैं तो आपको डिटेल में आंसर देना होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि न्यायमूर्ति ए के मित्तल ने कहाँ से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है। तो न्यायमूर्ति ए के मित्तल जी ने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ए ऑप्शन सही है। जो पिक्चर में दिखा रही है, ये हैं ए के मित्तल जी। आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये पता होनी चाहिए कि ए के मित्तल जी से पहले मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उनका नाम था मोहम्मद याकूब मीर जी की जगह ली है ए के मित्तल ने। और जो ए के मित्तल है ना, ये 7वें मुख्य न्यायाधीश हैं अब मेघालय उच्च न्यायालय के। हाँ, और मेघालय के बारे में आपको पता नहीं। देखिए, यहाँ पर मेघालय, इसकी कैपिटल शिलोंग, इसके चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा, मेघालय के गवर्नर है तथागत रॉय। और मेघालय के अंदर लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 60। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मेघालय से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और मेघालय का फोक डांस है बांग्ला, नेशनल पार्क है नोकरेक नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मेघालय से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020 में कहाँ आयोजित किया गया है। तो जो 10वां राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, ये 2020 में त्रिपुरा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। त्रिपुरा के अंदर कहाँ, तो त्रिपुरा के अंदर अगरतला में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात ये नोट करनी होगी कि ऐसा दूसरी बार है जब ये जो राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव है ना, ये उत्तरी पूर्वी शहर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सी ऑप्शन सही है। तो त्रिपुरा के बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर त्रिपुरा कैपिटल अगरतला, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। और त्रिपुरा के अंदर लोकसभा की सीटें हैं 2, राज्यसभा की सीटें 1, विधानसभा की सीटें 60। त्रिपुरा का फोक डांस है होजागिरी और नेशनल पार्क है राजबरी नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है आज का कि हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र के उप कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम है अनीता भाटिया। बी ऑप्शन सही। अनीता भाटिया को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उप कार्यकारी निर्देशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अनीता भाटिया है ना, ये हमारे भारत की है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में आपको बताना चाहिए। देखिए, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है हर साल। और संयुक्त राष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं अमीना जी मोहम्मद। नेक्स्ट करंट अफेयर आज का, कौन वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाएगा। तो देखिए, जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है ना, ये RBI के द्वारा मनाया जाएगा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। डी ऑप्शन सही है आपका। और ये सप्ताह कब से शुरू होगा, तो 3 जून 2019 से ये सप्ताह मनाया जाना शुरू होगा। इस साल अगर 2019 में ये मनाया जा रहा है सप्ताह, वित्तीय साक्षरता सप्ताह, तो इसका थीम आपको नोट करना होगा। देखिए, इसका थीम है किसान और वो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा बनकर किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, यानी कि फार्मर एंड हाउ दे बेनिफिट बाय अ बीइंग अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम।
तो इस बार का थीम आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। थीम है फार्मर्स एंड द हाउ दे बेनिफिट बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई के बारे में भी बताना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 में हुआ है और आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। गवर्नर इसके हैं प्रेजेंट में, जो उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। आरबीआई के जो सबसे पहले गवर्नर थे, जो जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तब बने थे, उनका नाम है ओस्मन स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस देश को 6.56 बिलियन दिए हैं? तो उस देश का नाम है पाकिस्तान। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को 6.56 बिलियन एज अ लोन दिया है। और ये लोन क्यों दिया गया है? तो चीन ने ये लोन इसलिए दिया है ताकि पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए कार्य कर सके। सबसे पहले तो पाकिस्तान के बारे में पता चाहिए, यहाँ पर पाकिस्तान यहाँ पर इस्लामाबाद, करेंसी है रुपये और प्रेजिडेंट है आरिफ अलवी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और नेक्स्ट आपको चीन के बारे में पता ही है, यहाँ पर है चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, प्रेजिडेंट है शी जिनपिंग। दोनों देशों के बारे में इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन 5 जून को पहला केंद्रीय बजट पेश करेंगे? तो उनका नाम है निर्मला सीतारमण, सी ऑप्शन सही है। आप लोगों को पता ही है नई सरकार बन गई है, नए कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज हो गए हैं। और फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो नई बनी है उनका नाम है निर्मला सीतारमण। और जो निर्मला सीतारमण जी है ना, ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है और 17वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर नई बनी है ना, ये 17 जून को अपना इंटरिम बजट पेश करेंगी। और 17वीं लोकसभा का जो पहला सत्र है, ये आपको पता नहीं कब से कब तक चलेगा, तो 17 जून से लेकर 26 जून तक ये चलेगा। देखिए ये जो पिक्चर में दिखाई गई, ये निर्मला सीतारमण जी, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो नए गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर बने हैं अमित शाह। ये जो पिक्चर में दिखाई गई, ये है अमित शाह, आप लोग जानते होंगे। आपको यहाँ पर ये पता नहीं कि इनसे पहले यानी कि अमित शाह से पहले गृह मंत्री कौन थे? तो इनसे पहले जो होम मिनिस्टर थे उनका नाम था राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह की जगह ली है अमित शाह जी ने। और जो राजनाथ सिंह है, अब इन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया है, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलापन बंदोपाध्याय को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो अलापन बंदोपाध्याय को हाल ही में पश्चिम बंगाल का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, सी ऑप्शन सही है आपका। देखिए जो अलापन बंदोपाध्याय है ना, ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इनसे पहले ये पश्चिम बंगाल के गृह। और आपको ये पता होना चाहिए कि अलापन बंदोपाध्याय से पहले पश्चिम बंगाल के गृह सचिव कौन थे? तो उनका नाम था अत्री भट्टाचार्य। अत्री भट्टाचार्य की जगह ली है अलापन बंदोपाध्याय ने। वेस्ट बंगाल के बारे में पता नहीं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी। लोकसभा सीटें 42, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 294। फोक डांस है गंभीरा, नेशनल पार्क है जलाधपरा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान, डी ऑप्शन सही है। राजस्थान ने हाल ही में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया है। राजस्थान ने क्या किया है कि ई सिगरेट की बिक्री पर, उसके प्रोडक्शन पर, सब पे रोक लगा दी है। मैं ई सिगरेट के बारे में आपको बताती हूँ। देखिए जो ई सिगरेट है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होती है, जो कि जिस डिवाइस में ये होती है वो डिवाइस जलता भी नहीं है इससे, और इसमें तंबाकू का यूज़ भी नहीं होता है। राजस्थान के बारे में पता चाहिए, यहाँ पर राजस्थान की कैपिटल जयपुर। चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कल्याण सिंह। और राजस्थान के अंदर लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 200। राजस्थान का फोक डांस है घूमर और नेशनल पार्क है रणथंभौर नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं राजस्थान से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2020 से चांद पर उपकरण भेजने की योजना बनाई है? तो नासा, बी ऑप्शन सही है, नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2020 में चांद पर उपकरण यानी कि चीजें भेजने की योजना बनाई है। नासा का के बारे में पता चाहिए, नासा का हेडक्वार्टर देखिए वाशिंगटन में US के अंदर। इसके जो फाउंडर उनका नाम है DYD एसेनहोवर। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो नासा की स्थापना 29 जून 1958 में हुई है। और इसके जो CFO हैं उनका नाम है जेट डिबिट। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें नासा से रिलेटेड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किस नाम से नए
मंत्रालय का निर्माण किया है। तो सरकार ने जिस नई मंत्रालय का निर्माण किया उस मंत्रालय का नाम है जल शक्ति। डी ऑप्शन सही है। सरकार ने हाल ही में जल शक्ति नाम के एक नए मंत्रालय का निर्माण किया है। और ये जो मंत्रालय का गठन किया गया है ना, इसका गठन जल संसाधन और पेय मंत्रालय और स्वच्छता मंत्रालय का कंबाइंड करके फिर इसका गठन किया गया है। यहाँ पर आपको जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री का नाम पता होना चाहिए, तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मंत्रालय के नए मंत्री। आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी गुवाहाटी ने किसके साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी गुवाहाटी ने हाल ही में इसरो के साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो के बारे में पता होना चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में। ठीक है, और इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, और स्थापना इसकी 15 अगस्त 1969 में हुई है, और चेयरपर्सन डॉक्टर के सिवान। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि टेस्ट दूंगी आपको, तो लास्ट में टेस्ट है कि देश के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए। इनसे पहले कौन थे वो भी आप बता देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े हमारे साथ। थैंक यू।